झारखंड के खूंटी जिला में जंगली हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया है। जहां उन्होंने दो रिटायर्ड सैनिकों द्वारा किए जा रहे ऑर्गेनिक फसलों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। बता दें कि नौसेना से सेवानिवृत्त उमेश कुमार और जगन्नाथ महतो ने मिलकर बुंडू के बुरुडीह गांव में 10 एकड़ जमीन लीज पर लेकर ऑर्गेनिक खेती शुरू की थी। इनकी खेती की सराहना रांची डीसी छवि रंजन ने भी की थी। लेकिन जंगली हाथियों के झुंड ने लगभग 4.50 एकड़ में लगी लौकी, झींगी, करेला, नेनुआ, खीरा आदि फसलों को खाने के बाद रौंद कर बर्बाद कर दिया। हाथियों ने फसलों के चारों ओर लगे बाड़ को भी जगह जगह तोड़ डाला और सिंचाई की मेन सप्लाई और फ्लश को भी तोड़ दिया। फौजी उमेश कुमार ने बताया कि हाथियों ने लगभग 2 लाख रुपए की फसलों को नुकसान पहुंचाया है। यहां उत्पात मचाने के बाद हाथियों का झुंड बुंडू के दलकीरी गांव में भी कई किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा चुका है। जंगली हाथियों का बहुत आतंक रहा यहां, बोलिए, और बहुत नुकसान किया। लगभग देखा जाए तो 3-3.5 एकड़ 4 एकड़ के फसल में हर जगह घूम घूम के बर्बाद कर दिया पूरा, और काफ़ी नुकसान हुआ है। और लौकी तो पूरा चौपटे हो गया। करेला भी उधर काफ़ी नुकसान कर दिया। झींगी, खीरा, ये सब को काफ़ी क्षति पहुंचाया, जिसे तकरीबन हमको 1-1.5 लाख रुपया भी नुकसान हो गया। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।